प्रेस ब्रीफ के लिए आने का एक ही ये है, ग्रीवियंसेस को लेके आया है, इज रिगार्डिंग लैंड कंपेंसेशन अमाउंट व्हिच हैव बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेट प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इसमें शुरू से लेके टिल डिसबर्समेंट ऑफ द कंपेंसेशन अमाउंट, हम लोग कंप्लेन ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना साइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल डीड ऑफ एक्सेप्टेंस और जो बिल अमाउंट है, जो ईच बेनिफिशरी के अगेंस्ट में जो अमाउंट ये बनाया है, टिल नाउ वी एज ए लैंड ओनर आर अननोन कि हम लोग के अगेंस्ट में एग्जैक्टली कितना अमाउंट इन पेपर्स में बनाया गया है। अभी तक हम लोग अकाउंट में तो क्रेडिट हो चुका है फ्रॉम डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ईच बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन अभी तक इन पेपर वे आर स्टिल अननोन। तो इसको चलते हम लोग कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी आपका डीसी होता है, बहुत बार ये अप्रोच किया है रिगार्डिंग डिटेल्स कि हम लोग का जो अमाउंट है, हम लोग का अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो कौन सा बेसिस में आया है, आप इसका मेरा लैंड का अगेंस्ट में, एरिया का अगेंस्ट में आप कैसे वैल्यूएशन किया है, जो अमाउंट है उसका कैलकुलेशन किया है, इसमें कौन सा एक्ट ये किया, ये एक्ट को लागू किया है, वेदर इट इज़ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 और द लैंड हैव बीन एक्विजिशन इन लारा एक्ट 2013। तो ये क्वेश्चन को लेके हुए रन टू मैनी, जैसे गवर्नमेंट को भी बहुत बार अप्रोच किया है, डीसी को, बट वहाँ से रिलक्टेंट है रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ लैंड कंपेंसेशन। और इसी को लेके हम लोग नेपको में भी ये सेम क्वेश्चन हम लोग रेज किया है, दे आर ऑल्सो टाइट लिप्ड, उन लोग ये बोलता है कि हम लोग कुछ भी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते रिगार्डिंग अमाउंट। तो इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी अपील करना चाहता है और जितना कंपिटेंट और कंसर्न अथॉरिटी है, लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टरेट, लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी, कि इसका ऊपर आप लोग इन्वेस्टिगेशन कराइए, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है जो तरीका से ये पूरा प्रोसेस को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ मतलब ये स्कैम का कुछ तरफ इशारा कर रहा है, सिंस अरुणाचल इज यू नो मतलब लैंड स्कैम, लैंड कंपनसेशन स्कैम बहुत पहले से इसका एग्जांपल भी है, इसलिए हम लोग ऐसे मतलब नहीं चाहते कि फर्दर भी ऐसे स्कैम सॉरी ऐसे कुछ इनजस्टिस लैंड बेनिफिशरी के अगेंस्ट में हो। और मेरा जो अरुणाचल बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन से, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी ये इशू में आप लोग भी साथ दीजिए, थैंक यू। और फर्दर जो इसका आगे में मेरा वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन थोड़ा पा ब्रीफ कर देगा। गुड आफ्टरनून, वैसे मेरा ये चेयरमैन साहब आप लोगों को बताया मेरा नाम, इंट्रोडक्शन कर दिया, तो एक्चुअली हम थोड़ा स्टोरी में बताएगा ये चीज़ को, थोड़ा लंबा होगा पर भी आप थोड़ा सुन लीजिए। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है 2009 में आया था थ्रू रिलायंस पावर कंपनी बोल के आया था, 2009 में प्रोजेक्ट आया है, रिलायंस ने एक्योर किया है। आफ्टर रिलायंस एक्योर करने का बाद में MOU साइन हुआ 2009 विथ स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ऐसे गवर्नमेंट को साइन करने के बाद में 2011 में इसका अवार्डिंग लेटर इशू किया, यानी कि अवार्डिंग लेटर यानी कि आपका वो कि आपका ये आदमी को इतना लैंड ओनर को ये पैसा मिलेगा और अवार्डिंग लेटर। आफ्टर 2011 रिलायंस पावर कंपनी जो है कोलैप्स हो गया, यानी कि अरुणाचल से आउट हो गया पावर डेवलपर जो। उसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग गैप 12 साल का बाद में 2023 में 12 अगस्त को ये ईटानगर में आपका MOU साइन होता है बिटवीन आपका स्टेट गवर्नमेंट और ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन होता है। MOU में साइन होने के बाद में तो ये प्रोजेक्ट एलोकेट करता है 12 प्रोजेक्ट को,
12 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में चलेगा, उसमें से 5 प्रोजेक्ट जो है सी योमी डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। तो सी योमी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आपका है तातो वन प्रोजेक्ट, और सेकेंड है तातो टू प्रोजेक्ट 700 मेगावाट, फिर मेइंग है, हिरोंग है, उसका रियो है। तो उसमें से अभी इनिशियल स्टेज में जो है तातो टू प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का जो कंपेंसेशन रिसेंटली हो चुका है, ये तो कहानी उसी चीज़ को लेके है कि हम लोग के साथ में क्या हुआ है, आप लोग का प्रेस के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहा है। तो शुरुआत डे आपका 19 सितंबर 2023 एट ये तातो डीसी ऑफिस में होता है कि पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि हम लोग को सर्कुलर देता है कि पब्लिक मीटिंग है, आप लोग आ जाइए रिगार्डिंग आपका नेपको को लेके। तो हम लोग सब पहुंचा वहाँ पे, पहुंचने के बाद देखता है कि पब्लिक मीटिंग है, उसके बाद में आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका है नेपको का HOP, उसके बाद DC DLRSO, उसके बाद लैंड ओनर एंड पब्लिक ऑफ द तातो ना, तो वहाँ सब आया है। तो बात शुरू होता है कि आप लोग का जो पहले का प्रोजेक्ट जो था वो कोलेप्स हो गया ला, अभी उसका बदली में आपका नेपको कंपनी जो हम लोग का तातो टू प्रोजेक्ट 700 मेगावाट के लिए आया है, तो आप लोग इसको एज ए लैंड ओनर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? तो हम लोग बोला है कि हाँ, हम डेफिनेटली एज ए लैंड ओनर हम लोग वेलकम करता है, हम लोग आज तक कभी भी डैम को अपोज नहीं किया है, प्रोटेस्ट नहीं किया है, डेवलपमेंट चीज़ को हम लोग वेलकम करता है, ऐसे बोल के बात चला है तो ठीक है। तो वहाँ में DC सर ने भी बोला कि ऐसा आप लोग का लैंड ओनर का सोच है तो बहुत अच्छा है, तो प्रोग्रेस जल्दी हो जाएगा। तो विद इन जनवरी को आप लोग का कन्फेंसेशन भी हम लोग क्लियर कर देगा। तो HOP ऑफ दी नेपको भी बोला है कि एश्योर किया है कि विद इन 2 मंथ के अंदर में आप लोग का कन्फेंसेशन भी हम लोग डिसबर्समेंट कर देगा। तो ऐसे होने के बाद में वो बीत गया एक हफ्ता, आफ्टर 1 वीक का बाद में वहाँ से थ्रो DC ऑफिस से हम लोग को मिलता है कि ये कागज़ इशू हो रहा है वहाँ से कि NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन कीजिए बोल के, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आई रिमाइंड यू फिर एक वन सेकेंड, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप साइन कीजिए बोल के हमको कागज़ दे रहा है। उसके बाद अगेन उसमें ये कॉन्सेंस बोल के वो पेपर है उसमें भी साइन करने दे रहा है विथ ब्लैंक, कुछ नहीं लिखा है वहाँ में, अपना नाम का जगह भी ब्लैंक रख दिया, टोटल अमाउंट को भी ब्लैंक रख दिया। वहाँ में लिखा है कि वॉट एवर DC जो बिल बनाएगा उसको हम एक्सेप्ट करता है बोल के हम लोग को ब्लैंक पेपर में साइन करने दिया। तो बस्ती वाला लोग तो सोच ऐसे है कि अरे एक एडमिनिस्ट्रेशन DC एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा आदमी बोल रहे, तो हम लोग का वेलफेयर के लिए बोल रहा होगा, बोल के हम लोग अभी तक सोचते आया है, तो वो लोग जो बोलता है हम लोग मानते आया है। पर आफ्टर दैट जब तब मालूम चला कि हम लोग को ये चीज़ जो है इलीगल हो रहा है बोल के, तब मालूम चला कि जब इसमें डिटेली तब जाके देखा कि हम लोग का ये प्रोजेक्ट जो है वेरस ये 1984 एक्ट में है या आपका लारा एक्ट 2013 में है, तो कॉम्प्लिकेशन हम लोग यहाँ में आ गया। तो DC सर को भी पूछा कि हम लोग का किस तरह पेमेंट किया जाएगा, आइडर लारा एक्ट करेगा ना 1894 एक्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो सर्वे रिपोर्ट जो है 2009 का ले रहा है, पर अभी हम लोग को डिसबर्समेंट कंपेंसेशन दे रहे हैं 2023 में, अब तो 15 ईयर्स गैपिंग का बात में है, सोच के देखिए 15 ईयर्स गैपिंग का बात में दे रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन एराइज किया है, ये अभी तो लारा एक्ट लागू हो गया, इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट आता है, वो देगा कि नहीं देगा, तो ये क्वेश्चन एराइज करता है तो नो रेस्पॉन्स, बुल का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत बुल का साथ में आर्गू हुआ, क्या हुआ, बात हुआ, अब तक उसके बाद हम लोग RTI भी कई बार RTI दिए ऑफिस में भी, पर भी RTI में रिपोर्ट आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास नहीं है, हम लोग फर्निश नहीं कर सकता है। उसका बन बोलता है कि ये आफ्टर डेट हियरिंग डेट देता है कि DLRSO नहीं है, एब्सेंस है, ये बोल के बहुत सा यहाँ वहाँ घुरा के ऐसे होते आ रहा है। इसलिए हम लोग अभी भी कन्फ्यूजन है कि कंपेंसेशन भी अमाउंट भी आपका वहाँ क्रेडिटेड हो गया, पर अभी तक पता नहीं है एज ए लैंड ओनर कि हम लोग कौन सा बेसिस में दिया है, वेरस ये आपका 1894 एक्ट है या 1984 एक्ट है या आपका लारा एक्ट 2013 में है, बिल्कुल अभी भी हम लोग पता नहीं, इनोसेंट हम लोग बिल्कुल पता नहीं है, पर सब कुछ हो गया, ब्लैंक पेपर में साइन करा दिया, अमाउंट भी डिसबर्समेंट हो गया। तो मेरा DC सर लोग से भी ये कई बार क्वेश्चन रहा कि ये चीज़ तो इलीगल है, तो उस कारण आज हम लोग को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, ऐसा चीज़ बहुत है। उसके बाद एक दूसरा बात ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम लोग लैंड ओनर ये चीज़ को अपोज था, पर भी DC सर लोग क्या क्या है, DC सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलना चाहेगा, DC सर ने क्या क्या है कि हम लोग को एक कमिटी उद्घाटन किया, वो लोग
कमिटी मेंबर क्रिएट किया है, वो लोग अपना से क्रिएट किया है, कमिटी मेंबर क्रिएट किया है अपना से किया है, वो कमिटी मेंबर हम लोग का लैंड ओनर में से ही है, तो वो कमिटी मेंबर हम लोग का कुछ ना कुछ रिलेशन लगता है, तो वो लोग का इतना पॉलिटिक्स खेल खेला है कि अपना में ही हम लोग को नेगोशिएशन करने की कोशिश किया है कि आप लोग आगे मत बोलिए, ये चीज़ को जल्दी होने दीजिए, ब्लैंक साइन करने से भी आप लोग का अमाउंट जो है वो मिलेगा, उससे आपको डबल होके मिलेगा बोला है। तो बस्ती वाला का हम लोग थोड़ा मोड़ा जानता है, पर बस्ती वाला लोग तो मैक्सिमम लैंड ओनर हेड ऑफ दी फैमिली जो है बुरा है, बुरी है, तो वो लोग को तो पता नहीं ना, जो फैमिली कमिटी मेंबर जाके बोल दिया तो लोग भरोसा हो गया, कमिटी मेंबर में से हम लोग का कोई ना कोई फैमिली रिलेशन है, तो ये चीज़ उन लोग ने किया। तो आज आप लोग का न्यूज़ चैनल का माध्यम से यही बोलना चाहेगा, जितना भी जनता है, जितना भी अरुणाचल का वो है वासी है, एक्चुअली हम लोग का सीयूएमई में बहुत ये हाइड्रो पावर तातो 2700 मेगावाट हाइड्रो पावर को लेके बहुत इनजस्टिस हम लोग का साथ हो रहा है। हम लोग डिमांड नहीं कर रहा है, हम लोग को ये दीजिए वो दीजिए डिमांड नहीं कर रहा है, हम लोग को राइट को फुलफिलमेंट कीजिए। इवन हम लोग को अवार्डिंग लेटर अभी तक नहीं दिया है, हम अवार्डिंग लेटर को हमेशा बोलता है कि आगे रख के बोलते हैं, अवार्डिंग लेटर देखाइए कि मिस्टर एक्स आपके अकाउंट में इतना इतना रुपया आया है, इम्प्लीमेंट ये क्या है, लड़ाई लड़ाई में ये इम्प्लीमेंट आपको क्या है, प्रोविजन डाल के इम्प्लीमेंट किया है बोल के अब हम लोग को देखा ही है, वो भी आज तक वहाँ से परमिशन नहीं किया। तो आप खुद सोचिए कि ये हम लोग का साथ में क्या हो रहा है, आप जनता को डिसाइड कीजिए कि ये क्या कर रहा है। वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक हमने कहीं भी नहीं सुना ऐसे एक ब्लैंक पेपर में साइन करा के एक प्रोजेक्ट को ऐसे चलाएगा। जब नेपको अथॉरिटी HOP को पूछता है तो नेपको सीधा सीधी डिनाई करके बोलता है कि वी आर अंडर ये गवर्नमेंट, उसके अंदर में है, DA का अंडर में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में, आप लोग को हम कुछ इशू नहीं कर सकेगा। इवन हम लोग ये आपका शिलोंग में भी हेड ऑफिस में भी RTA कॉपी दिया है, बट थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बोल के हम लोग को डिनाई कर देता है, कुछ नहीं देता है। तो आज न्यूज़ में आने का वही है कि हम लोग लीगली अपना ये मिस्टर रेकेन इंगो के साथ में हम लोग लीगली ये कर रहा है साथ में, जनता को भी पता होना है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में सीओमी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन है, क्या कर रहा है इसको, स्पेशली ये प्रोजेक्ट को, और अपकमिंग प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट बचा है, तो अगर यही प्रोजेक्ट अगर सही नहीं होगा तो आने वाला कौन गारंटी देता है कि ये प्रोजेक्ट सही होगा। तो बहुत सा ऐसा चीज़ है जो आप लोग की तरफ से हम लोग ये अरुणाचल को सुनाना चाहता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग ग्रीवेंसेस हैं स्पेशली ये प्रोजेक्ट को लेके, तो ऐसे डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहेगा, पर भी कोई कोई लैंड ओनर है जो 2011 में जो अमाउंट बना था जस्ट 1-2 लाख प्लस करके ही दिया है, जबकि वेरस आपका लाराइक में 100% सोलिटियम 12% और 15% इंटरेस्ट आपका बोलता है। ये प्रोविजन के अंदर में हम लोग अगेंस्ट एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा है, हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो है उसको हम लोग विथ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ देखा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल आपको ये अप्रूव किया है, ये कंपेंसेशन देता है, तब हम लोग उसको सेटिस्फेक्शन होगा, ज़्यादा हो कम हो उससे लेना देना नहीं, हम लोग को जस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रूफ चाहिए। ये डिमांड अभी कर रहा है और करते भी रहेगा, आगे भी पीछे नहीं छोड़ेगा, ऐसे उल्के से डिमांड करना ही पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना ही पड़ेगा उसको। तो ऐसा है, तो बड़े दुख के साथ ये बताना चाह रहा है कि मतलब हम लोग एज ए लैंड ओनर हम लोग तो समझता है, तो जो नहीं समझता है अपना जमीन को रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जमीन जो पूर्वज हम लोग का दादा पर दादा लोग वो जमीन में बेचता था, वो जमीन अभी सबमर्ज में जा रहा है, कहीं में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो अगर पेमेंट करता है तो वो उसका फैमिली मेंबर तो सिक्योर होना पड़ेगा ना। अभी फैमिली मेंबर को जो इतना अमाउंट मिल रहा है आई थिंक उससे ज़्यादा तो जिसका जमीन नहीं है उसको मिल रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग का साथ इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग देखिए, जिसका एक जमीन टुकड़ा नहीं है उसका इतना पैसा बन रहा है, जो जमीन एज एक्चुअल ओनर को आपका वो सेटिस्फेक्शन ही रुपया नहीं है, तो वो अभी जमीन वो देने के बाद में वो कहाँ बैठेगा। इवन RNR बोलता है, RNR का इम्प्लीमेंट भी रीसेटलमेंट का इम्प्लीमेंट भी अभी तक नहीं किया, बहुत सा क्वेश्चन है अंदर में, जस्ट इतना बोलने जाएगा तो ये आज का दिन पूरा लंबा चला जाएगा, और आप लोग को हाइडली लाइटली बता रहा है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आप लोग को दे दिया है, आप थोड़ा देखिए स्टडी कीजिए, तो हो सकेगा तो मीडिया पार्टनर लोग से भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ये चीज़ को थोड़ा आगे इम्पोर्टेंस दीजिए। वट एवर आई सेल स्टेट सेल ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्ड दैट इज अवेलेबल विद मी,
कि द डिमांड दैट हैज बीन पुट फॉरवर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली एंड ओनली देयर राइट्स. द ड्यूटी ऑफ एक्वायरिंग ऑथोरिटी ऑफ एक्वायरिंग बॉडी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू प्रोवाइड the final award and final bills that has been prepared against each of the beneficiaries. Unless they know the final bills, they cannot even go for appeal before the reference authority. क्योंकि जो land acquire किया है उनका against में if they feel aggrieved, अगर जो बेनिफिशरी जो एग्री बिल करता है तो उनको एक प्रोविजंस है लॉ में, उनको अपील करने का एक मौका देता है. वो तभी अपील कर पाएगा जब वो अपना लेंथ का वैल्यू जानेगा, उनका लेंथ कितना एक्वायर किया है, उसका लेंथ का अगेंस्ट में कितना स्टैंडिंग क्रॉप्स है, कितना स्ट्रक्चर्स है. उसको देखने के बाद अगर उस रेट में उनको सेटिस्फाई नहीं हो तो उनको अपील करना करने का एक प्रोविजंस है. तो अभी अपील करने का रिमेडीज लेस हो गया सिंस द फाइनल बिल फाइनल अवार्ड हैज नॉट बीन मेड अवेलेबल टू द 96 बेनिफिशियरीज. तो अभी उनको लगता है कि उनका अगेंस्ट में उनका जितना भी उनका लेंथ का अगेंस्ट में बिल बना है वो जितना अभी क्रेडिट किया है उनका अकाउंट में उससे भी ज्यादा बनाया. हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज राइटली क्रेडिटेड द अमाउंट, अभी उसको भी एसर्टेन करने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू प्रोवाइड द फाइनल अवार्ड, वो भी नहीं कर रहा है. और जब आरटीआई करता है, आरटीआई का थ्रू जब अप्रोच करता है तो उसमें एक लिखे देता है कि उसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो गायब हो गया. फिर ये भी लॉ भी लॉ इसमें भी वेरी क्लियर है कि आप ओरिजिनल सिंस यू डोंट हैव एनी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्कीम्स particular project, how it is possible to disburse the compensation amount. तो अभी इनका आरटीआई रिप्लाई खुद है जहाँ पे लिखा हुआ है और आपको भी कॉपी प्रोवाइड किया हुआ है कि उस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी उनके पास अवेलेबल नहीं. तो अभी एक क्वेश्चन ये है कि मुख्य क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट बेसिस, कौन सा डॉक्यूमेंट का आधार पे उन्होंने अभी कॉम्पेंसेशन अमाउंट डिस्पर्स किया है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक साइड में बोलता है आरटीआई रिप्लाई में ये बोलता है कि देयर इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन मिसिंग हैज मिसप्लेस्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड अगेन दे आर गोइंग अहेड विद द पेमेंट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ द कॉम्पेंसेशन अमाउंट. ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट है तो इसलिए ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएगा. अपार्ट फ्रॉम द लीगल राइट्स, ये जो अभी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, जो क्लेम कर रहा है वो उनका प्रोजेक्ट का अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर रहा है. प्रोजेक्ट में बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया होता है, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोविजंस आर देयर but not going into the merit of that provisions also, ये 96 families का against में ऊपर में बहुत सारा अन्याय किया जा रहा है. but I am not going into details on that aspect, क्योंकि इसमें 100% अभी भी कोई clear नहीं है. दावे के साथ कह सकता है कि इसमें 219.18 crores 5 फरवरी को मिला है government से. अभी 96 फैमिलीज में आप डिवाइड करके देखिए, 96 फैमिलीज में जितना पैसा आया है वो 219.18 करोड़ इक्वली जा रहा है कि नहीं जा रहा है. टू एसर्टेन दैट उन्होंने आरटीआई मांगा है, अवार्ड फाइनल बिल को मांगा है, नहीं दे रहा है. तो मेरा जो आर्गुमेंट है इसी में कॉन्फाइन है, जब तक आप फाइनल बिल अवार्ड नहीं देता है तो अभी 96 फैमिलीज को कैसे पता चलेगा कि उनका अगेंस्ट में उनका ऊपर में कितना बिल बना है. और वो डॉक्यूमेंट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन में नहीं आता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है. प्रूडेंट पर्सन
बाहर का कोई आदमी आके अगर उनके उस डॉक्यूमेंट को मांगने से दैट कैन बी ट्रीटेड दैट पार्टी इंफॉर्मेशन. लेकिन यहाँ में तो जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज मांग रहा है, मेरा अगेंस्ट में कितना बिल बना है हमको देखने दो बोल के मांग रहा है, वो नहीं दे रहे हैं. साइटिंग डेथ ये इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 81 ऑफ आरटीआई एक्ट में बार करता है, लेकिन यहाँ में तो हम खुद मांग रहे हैं ना, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली खुद मांग रहा है हमारा अगेंस्ट में कितना बिल बना है ये तो हमको देखने दो, बट वो भी नहीं कर रहा. सो ये बहुत सीरियस मैटर है और प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का अगेंस्ट में जो भी चल रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है. इट इज़ अगेंस्ट द एस्टैब्लिश नॉर्म्स, अगेंस्ट द एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फेयर कंपेंसेशन एक्ट 2013. तो 2013 एक्ट इटसेल्फ सेज कि यहाँ में फेयर कंपेंसेशन होना है, तो फेयर कंपेंसेशन होना है बोलते हैं, लेकिन फेयर कंपेंसेशन का बेसिस तो सबसे पहले आप ये बताना है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का अगेंस्ट में ये बिल बनाया और उसको प्रोविजंस ऑफ लॉ ये बोलता है कि उसको डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करना है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में तो अपलोड किया नहीं है. बहुत सारा प्रोविजंस ऑफ लॉ को भी वायलेट किया जा रहा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग डिटेल्स इनटू दैट एस्पेक्ट क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक कंटेंट है, कंटेंशन सिंगल कंटेंशन है कि जितना बिल्स बनाए फाइनल अवार्ड फाइनल बिल बोलता है उसको, उसको 96 प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को प्रोवाइड किया जाए, अदरवाइज वो सेक्शन 81 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 में अगर आप उसको फायर करता है तो देन दे हैव एवरी राइट टू सीक लीगल रिमेडीज टू गेट दैट डॉक्यूमेंट. तो विद दिस थैंक यू वेरी मच. तभी हम लोग को बेनिफिशियरी को ये सब कुछ भी अभी तक प्रोवाइड ही नहीं किया, जस्ट हम लोग एक एजम्पशन लिया है वेदर इट इस 1894 में एक्विजिशन हो या तो 2013 लारा एक्ट में, उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस है, इंटरेस्ट का प्रोविजंस है, आपका सोलेशियम 100% होता है. तो ऐसे हम लोग कोई भी नॉर्मल आदमी भी ऐसे कैलकुलेशन करने से, और हम लोग ऐसे कमिटी का हिसाब में भी बहुत सा कंप्लेंस आया है बेनिफिशरी की तरफ से कि ऐसे ऐसे है हम लोग का बहुत कम आया. जैसे कि आपका 2011 में जो ये अवार्ड लेटर बिल सबको दिया था, तो अब तक आप 14-15 ईयर्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी आपका डबल से ज़्यादा हो जाता है. तो अभी जिस जिसको क्रेडिट हुआ है जिस जिसके अकाउंट में, उसमें तो आपका जस्ट फॉर एग्जांपल 20% सिर्फ इंक्रीमेंट होके दिया है, जबकि मेरा हिसाब से इसमें इफ 2013 लारा एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ होने से 200% से ज़्यादा आपका 2011 में जो अमाउंट था 200% से ज़्यादा इंक्रीमेंट होना चाहिए हिसाब में. हम उससे बात करना चाहिए, वो हमको पब्लिक को जवाब देना चाहिए हर चीज़ का, हर पॉइंट का आपको सर्कुलर में देना चाहिए. इवन हमको गांव पूरा को लेके आके समझाना चाहिए, जीबी को लेके आ जाना चाहिए, पंचायत लीडर को लेके आना चाहिए. कुछ भी नहीं है, सब स्किप है, गायब है. अब एक्चुअल फैक्ट तकलीफ हम लोग भुगत रहे हैं वो चीज़ को, तो हम डिटेल से इतना गुस्सा होने का कारण वो है कि हमें ये ले लो ना, मेरा अंदर में भी वो तकलीफ है. इसीलिए ये ग्रीवेंसेस वापस का थ्रो आया है, इसको सर अब कुछ पूछता है तो पूछिए, हम उसको जवाब देने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है जो प्रैक्टिकली है वो आपको हम फेस कर रहा है. हम गारंटी का साथ कह सकते हैं कि 96 मेंबर से ज़्यादा पेमेंट किया है, वेर एज पेमेंट जो 96 का अंदर में कन्फाइन हो जाना चाहिए. बिल तो इसी 96 का अगेंस्ट में 2.19.18 करोड़ आया है, तो वो इसका अंदर में आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट में नाम नहीं है उसका अगेंस्ट में भी बहुत सा पेमेंट करके रखा. तो ये सब को कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्ट, तो हम लोग कंक्लूसिवली ये बोल सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे गलत नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्टिशंस नहीं हो रहा है, इरेगुलरिटीज नहीं हो रहा है, हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते. सो सब चीज़ को क्लियर करने के लिए मूल पॉइंट यही है, लास्ट में फाइनली कंक्लूजन ये आता है कि आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को फाइनल अवार्ड को प्रोवाइड करो, तब पता चलेगा कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का क्लेम सही है कि नहीं. तो आप वही देने के लिए रेडी नहीं है.